वो टाइप में कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे समथिंग, पर आप इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है? और आप बहुत ही आसानी से इन्हें सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है? तो क्या है फोर्थ क्वेश्चन, कि सुएज का स्थान बाईं ओर से 27वां है। अब ये भाई सुएज है, बाईं ओर से ये 27वें स्थान पे आ जाता है, ठीक है? और फिर कह रहा है ये तथा रमेश है वो दाएं तरफ से 27 नंबर पे आ जाता है। रमेश है वो 27 नंबर आ जाता है दाएं तरफ से, ठीक है? रमेश दाएं तरफ से 27 नंबर पे आ जाता है। और इसमें दिया है अगर पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या 49 हो, टोटल व्यक्ति इसने दे दिए 49, टोटल 49, 49 दे दिए, ठीक है? बताइए सुरेश और रमेश के बीच में कितने व्यक्ति बैठे। तो इन दोनों के बीच में व्यक्ति पूछे हैं, ठीक है? तो देखिए इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, पहले जैसा मेथड है, पहले जैसा ही क्वेश्चन है और कोई अंतर नहीं है। पहले देखो ये आपको, जैसे इसने इसने कहा है कि सुरेश और रमेश के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो बीच वाला ये पहले भी शायद आई थिंक डिस्कस कर चुके होंगे, ठीक है? चलो फिर भी देखते हैं। तो इनका एक व्यक्ति का आप एक तरफ से स्थान निकाल लीजिए, मतलब एक व्यक्ति का जो स्थान है, ठीक है, उसका दूसरी तरफ से निकाल लीजिए, किसी का निकाल लीजिए। सुरेश का आप दाई तरफ से निकाल लीजिए। अब देखिए सुरेश जो है भाइयों, सुरेश का आप दाई तरफ से निकाल रहे होंगे, तो सुरेश आ रहा होगा, सुरेश दाएं से, तो टोटल टोटल प्लस वन माइनस लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, जो कुछ भी दिया हो वो आप लगा दीजिए और आपको इसका स्थान मिल जाएगा। दिल से भी आप निकाल रहे हैं, दाएं से निकाल रहे हैं, टोटल 49 व्यक्ति दिए हुए हैं इसमें, प्लस वन कीजिए और इसमें से आप 27 लगा दीजिए। तो आप देख रहे हैं 50 में से 27 आपके जाएंगे, तो आपको 23 मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं सुरेश का जो स्थान है वो दाईं तरफ से आपका आ रहा है 23, ठीक है? तो अब देखिए 23 आ गया सुरेश का दाईं तरफ से। हाँ देखिए 23 है, एक बात और देख लीजिए, ये 23 27 को क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है? अच्छा क्रॉस नहीं कर पाएगा तो यहीं पे लटक जाएगा ये, और ये कौन है? सुरेश है, ठीक है? थोड़ा लेके दर दर हो सकता है घोड़े भाइयों, ठीक है? तो अब देखिए इसके और इसके बीच में ये आपको निकालने हैं व्यक्ति। तो इसके बीच में पहले आप डिस्टेंस देखिए कितनी बन रही है, तो आप डिस्टेंस देख रहे होंगे, डिस्टेंस मतलब दूरी, जो दूरी होती है, ठीक है, वो क्या होगी? पर्सन प्लस वन, पर्सन प्लस, इससे पहले मैंने सूत्र बताया था कि पर्सन बराबर होता है डिस्टेंस माइनस वन, ठीक है? तो आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या आपको पर्सन निकालना होता था, तो क्या करते थे आप? पर्सन बराबर लिखते थे, ये डिस्टेंस दी है उसमें से एक कम कर दीजिए। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस देखिए कितनी है, तो बीच में डिस्टेंस आ जाएगी, हम देखो इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है? बीच में डिस्टेंस आएगी वो 27 माइनस 23 करके आ जाएगी, फोर्थ डिस्टेंस, फोर्थ डिस्टेंस आ गई। अब मैंने कहा था डिस्टेंस एक कम होता है, ठीक है? तो डिस्टेंस कितनी आ गई? फोर माइनस वन कर दीजिए तो थ्री। तो इन दोनों व्यक्तियों के बीच में 3 व्यक्ति बैठ रहे होंगे, ठीक है? जिसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? इस ये ओरली क्वेश्चंस होते हैं, देखो आपको हम ओरली करके दिखा दे रहे हैं। देखो दोनों तरफ का 27 27 दिया हुआ था, एक व्यक्ति का दूसरी तरफ से निकाल लीजिए, ठीक है? जब दूसरी से निकाला तो उतन दिया था 49, उसमें एक बढ़ा लीजिए तो हो गया 50, और 50 में 27 जाएगा, 30 बचेगा, ठीक है? और 30 और 27 के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी? तो 4 डिस्टेंस होगी, और व्यक्ति एक कम होता है डिस्टेंस से, तो 3 व्यक्ति बैठे होंगे। तो भाई हम इसे ऑरली हल कर सकते हैं, कोई इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, ठीक है? आसानी से हो रही है और लिख इसलिए रहे हैं कि आपको ये टोटली समझ में आ जाए कि कैसे होना है, ठीक है? और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो भाई शेयर करना तो बनता ही है।
लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे भी आपके लिए किसी अन्य चैप्टरों के, रीजनिंग से चैप्टर हैं, मैथ के चैप्टर हैं, ठीक है, जीएस से कोई ट्रिक आ रही है, ठीक है, जो हमें अच्छी तरह से आ रही है और इस पर हम प्रयास भी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ बना के हम जरूर डालें। इससे पहले हमने काफ़ी वीडियो डाल रखी है, पर इससे पहले हमने अपना कभी फेस नहीं दिखाया है, ठीक है, क्योंकि भाइयों इतना व्यवस्था नहीं है हमारे पास, फिर भी छोटा जुगाड़ ही करके ऐसे कर रहे हैं जिससे कि हम आपको अपना चेहरा दिखा सकें, जिससे आप जान सकें कि हमें कौन सा व्यक्ति पढ़ा रहा है या कौन हमारा भाई बहन है, भाई है जो मेरा, वो मतलब कैसा दिखता है, ठीक है, कैसे पढ़ाता है, क्या पढ़ाने का तरीका है, क्या उसका कंटेंट अच्छा है कि नहीं है, ठीक है, वो भी फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे, तो वो कन्फर्म हो जाएगा, ये मतलब क्लियर हो जाएगा आपका, इस आपका ये जो भाई कंसेप्ट है वो क्लियर हो। देखिए भाइयों, मैं तो केवल एक बात ही कहना चाहूँगा, केवल मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आप क्वेश्चंस तो किताबों में बहुत ही होते हैं, और हमें ये पूर्ण उम्मीद है कि आप कोई भी क्वेश्चन हल कर रहे होंगे, तो जस्ट 10-15 सेकंड आप कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। जैसे कि पहले जब मतलब स्टार्टिंग में हम सीखते हैं तो क्वेश्चन दरसा भी होता है, कुछ क्वेश्चन कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है, तो 3 बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसका एक क्वेश्चन दूसरा देख लीजिए, इसी टाइम में अगला टाइप पढ़ाएंगे। देखिए इस टाइम में क्या कह रहा है कि 29 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित का स्थान जो है वो आपका बाई तरफ से 17वां आ रहा है, रोहित बाई से आ रहा है 17वां, ठीक है, और ये दे रहा है तथा करण का स्थान दाई तरफ से 17वां आ रहा है, करण भी जो है वो भी इससे 17वें आ रहा है, ठीक है, और इसमें आपको टोटल भी उन्होंने दिया 29 लड़के हैं टोटल दिया है। ठीक है भाई, क्वेश्चन जब वो लिखेंगे तो बोर्ड ही हमारा इतना छोटा है, क्वेश्चन कहाँ लिखेंगे, ठीक है, तो पढ़ के सुना दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब हमने कहा था एक तरफ से किसी का निकाल लीजिए, इधर से दिया इधर से निकाल लीजिए, या इसका इधर से दिया इधर से निकाल लीजिए, तो कर्ण का निकाल ले रहे हैं बाई तरफ से, कर्ण है बाई से, तो हमने कहा टोटल है, और टोटल में 1 जोड़ना आप माइनस जो इसका दिया वो उठा देना। देखिए तो टोटल हो गया आपका 30 माइनस 17, आपका ये हो जाएगा 30, तो के का बाएं से आ गया 13वां स्थान, ठीक है, अब के का बाएं से 13वां आ गया, तो अब बाएं से इसका देखिए तो 13 भाई ये पीछे रह जाएगा कहीं पे, क्योंकि ये 17 तक तो पहुंचने वाला नहीं है, ठीक है। अब इसके इसके बीच में आपको देखना है, तो डिस्टेंस आपको देखनी पड़ेगी कितनी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो आप देख रहे होंगे वो डिस्टेंस ये आ रही होगी 17 माइनस 13 इक्वल टू, भाई डिस्टेंस आ गई देखो 4, और डिस्टेंस से एक व्यक्ति कम होता है, ठीक है, तो पर्सन निकाल देंगे, तो 4 माइनस 1 इक्वल टू। ये देखो भाइयों, ये तो एक मतलब कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि किताब क्वेश्चन दिए जिससे आपका तीन ही तीन बीच में व्यक्ति निकल रहा है, ठीक है, तो ऐसा ना समझे, व्यक्ति कितने भी हो सकते हैं, तो आइए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर देते हैं इसी बात, कहीं आप ये ना सोचें कि 2-3 क्वेश्चन रट्टे से मार लिए, हम तो किताब से देखो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आइए चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक देख ले रहे हैं इसी टाइप से, जो आपको ये शक ना रहे कि कोई 2-1 क्वेश्चन रट्टे मार मुर्गी करा रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई रट्टा सट्टा नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, उस कॉन्सेप्ट के आधार पर बेसिस पर आपको ये क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो देखिए 29 लड़के हैं कुल दिया आपको 29, ठीक है, और आपसे इसने कहा है कि जो रोहित है वो बाईं ओर से 19वें स्थान पर बैठ रहा है, रोहित बाईं से 19 में, ठीक है, और जो इसने कहा है दूसरा है करण है वो दाईं तरफ से 19वें बैठ रहा है, करण भी है वो दाईं तरफ से 19 में बैठ रहा है, ठीक है, तो इसके बीच में इन दोनों के बीच में कितने लड़के बैठे हुए हैं, ठीक, तो एक तरफ से दोनों का निकाल, इसका निकाल लीजिए, चलो चलो करण का निकाल लिया राइट लेफ्ट राइट से, अब देखते हैं कितना जाता है भाई, अभी से कह नहीं सकते कितना जाए, ठीक है, तो अभी खींचना भी सही नहीं है, ठीक, तो देखते हैं करण कितना आ रहा है, तो करण का निकालना 5,
टोटल देखिए कितना है, 29 प्लस 1 जोड़िए, माइनस का एक अंक घटा दीजिए, 30 में से आपका 19 जाएगा, तो आपको अच्छा लगेगा। तो भाई ये 11वें नंबर पे आया ठीक, तो लेफ्ट हैंड से आया ये 11वें नंबर पे, 11वें पे, 11 यहीं पे कहीं रह जाएगा, कौन है ये? तो 11 और 19 इनके बीच में डिस्टेंस कितनी हो रही है? ठीक है, तो डिस्टेंस आपको बताएगा, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप 19 में से 11 हटा दो, तो डिस्टेंस आपकी आ गई, पर्सन कितने होंगे आपको पर्सन हो जाएंगे, 8 माइनस 1 इक्वल टू 7 आपके पर्सन हो जाएंगे। ठीक है, देखा आपने ये क्वेश्चन, हमने इसलिए करा दिया क्योंकि आप बता चुके हैं कॉन्सेप्ट इसका पहले से। ठीक है, आइए कोई टाइम नंबर 5 करते हैं। अब 5 टाइप से कुछ क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो 5 टाइप में कह रहा है कि एक पंक्ति में रीता का स्थान बाईं ओर से 15वां है, ये रीता है बाएं से है 15वें स्थान पर। ठीक है, और कह रहा है द मधु का स्थान दाईं तरफ से 18वां है, तो मधु आ रही है वो 18वें स्थान पर आ रही है दाईं तरफ से। ठीक है, और कह रहा है कि अगर इनके बीच में 4 लड़कियां बैठ जाएं, ठीक है, तो हमने कहा था भाइयों इसके बीच में आपको बैठानी है डिस्टेंस, इसने दिया है लड़कियां। अब देखिए जो डिस्टेंस है, अब डिस्टेंस तो दी है, ठीक है, पर्सन बराबर क्या होता है, डिस्टेंस माइनस, अब आपको निकालनी है डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालिए, तो डिस्टेंस अगर रहने दो तो पर्सन में जुड़ जाएगा, तो पर्सन कितने बैठे हुए हैं, कि दोनों के बीच में पर्सन बैठे हुए हैं आपके, 4 लड़कियां बैठी हुई हैं, 4 प्लस 1 जोड़ दो तो आ गया, तो 5 व्यक्ति इसके बीच में। ठीक है, 5 व्यक्ति नहीं, 5 की डिस्टेंस। ठीक है, अब अगर मैं इधर से ये 15 चला, फिर ये 5 चला, तो कितना हुआ, 20 हो गया, और 20 में 18 जोड़ो तो टोटल कैसे निकलेगा, 15 प्लस 5 प्लस 18 माइनस 1 करना होता है, तो ये 20 प्लस 17, तो ये आपका हो जाएगा 37। तो उस पंक्ति में आपके जो व्यक्ति हो रहे होंगे वो आपके मैक्सिमम कितने हो जाएंगे, 37। और देखिए इसमें 2 टाइप्स निकलते हैं, ठीक है, एक तो मैक्सिमम निकलता है, एक मिनिमम निकलता है। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम मतलब अधिकतम बच्चे कितने इनके, कितने स्टूडेंट हो रहे होंगे। अब देखिए एक तो अधिकतम होता है, एक न्यूनतम होता है, ये अधिकतम हो गया। ठीक, ये अधिकतम के लिए आपका फॉलो होगा। अब देखिए भाई जब ये एक दूसरे के अपोज में होते हैं, ठीक है, जब ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे होते हैं तो अधिकतम होता है, और जब ओवरलैप कर रहे होते हैं तो इसमें न्यूनतम होता है। अब क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि वो क्या पूछता है। ठीक है, इसमें आपको अधिकतम भी पूछ सकता था, इसलिए मैंने अधिकतम का कॉन्सेप्ट लगा दिया। अब आपको न्यूनतम का कॉन्सेप्ट इसी का लगाते हैं, क्या है, और न्यूनतम का देखते हैं, न्यूनतम में होगा ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये पहला स्थान आपका दिया है किसका, हाँ रीता का दिया है 15वां स्थान, जैसे मधु का दिया है 18, मधु होगी ओवरलैप करा दी, 18वें स्थान पर आ गई मधु, ठीक है ओवरलैप करा दिया, इनके बीच में 4 लड़कियां बैठी हुई हैं। ठीक है,
चार लड़कियां मतलब डिस्टेंस 5 डी, तो इन दोनों के बीच में 5 बैठा दीजिए, 5 की डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। हाँ 5 की डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक, ध्यान से देखिए, 5 की डिस्टेंस हो गई, ठीक। अब देखिए यहाँ पॉइंट तक, इस पॉइंट तक ये जो रीता है वो कितना चली है, तो ये निकल आएगा 15 में से 5 माइनस कर दीजिए तो ये आएगा आपका 10, 10 चली गई रीता। तो न्यूनतम जो बच्चे होंगे उनकी संख्या क्या होगी, तो 10 तो यहाँ तक चला, प्लस 10 की बात इधर देखिए, ये 18 चल गया है इधर से, प्लस 18 माइनस 1 करना, तो 28 माइनस 1 इक्वल टू 26। तो इस टाइप में दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक मैक्सिमम बनता है कि और एक बनता है आपका मिनिमम, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन लगा के देख लेना, सिंपल है, हो जाएंगे, ठीक। आइए टाइप टाइप सेक्स में दिया हुआ है कि 49 विद्यार्थियों की कक्षा में एक स्थान ऊपर से 17वां आया, टोटल दिया है 49, और एक का जो स्थान है ऊपर से मतलब 1 से, इसका दिया हुआ आपको 17वां स्थान, ठीक। आगे देखिए कह रहा है, और नीचे से बी का स्थान दिया है 11वां, मतलब नीचे से मतलब राइट हैंड से बी का स्थान 11वां दिया हुआ है। अगर सी ए व बी के बिल्कुल मध्य में स्थित हो, जो सी है वो और ए और बी के दोनों के मध्य में स्थित है, ठीक है, सी यहाँ पे कहीं बैठी होगी बीच में, ठीक है। तो क्या करना है, पहले इनका इन तरफ से निकाल दीजिए, इसका ए का 17 इधर से दिया, तो इधर से बी का निकाल दीजिए, इधर से राइट हैंड से, तो बी आ जाएगी दाएं से टोटल प्लस 1 माइनस जो इसका दिया हुआ है 50 माइनस 11 इक्वल टू आपका बच गया 39। तो आपका 39 आ गया इसका इधर से, तो इधर से ये जब चलेगी बी तो ये 39 पे पहुंच जाएगी, ठीक है, 39 पे पहुंचेगी। अब देखिए ये और ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी निकली, तो डिस्टेंस निकालोगे बीच में तो आ जाएगी 39 माइनस 17, तो ये आपकी आ जाएगी, जब आप इसे घटा रहे होगे तो 2 1 12 की आपकी ये इसकी आ जाएगी, क्या जाएगी आपकी 12 की इसकी, देख लीजिए आप इसे समझ के हमने घटाया ये, और देखिए ध्यान से, थर्टी नाइन बचेगा, ठीक है, और 17 में से इसमें से गया 39 में से 17 गया, तो इधर तो जो बचा 2, और इस 2 में से 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है, ये 22 हो गए, ठीक है। तो इनके बीच में दोनों कितना आए, 22, ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने आए, 22 की डिस्टेंस आई, व्यक्ति नहीं है ये, ठीक है, तो डिस्टेंस 22 की आ गई, तो पर्सन कितना होंगे, डिस्टेंस से कम होता है, तो 21 आ गया पर्सन, क्योंकि सी इनके मध्य में बैठा हुआ है, इसलिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, इसमें आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो सी मध्य में बैठ जाएगा, तो सी जब मध्य में बैठेगा तो 21 में 2 से डिवाइड कर दो तो यह आएगा 10.5 आएगी, ठीक है। तो अब क्या करना है, 10.5 अब इसे आप मानेंगे 11, ठीक है, अगर 10.5 दिया हुआ है तो आप इसे, हाँ
एक कम मार रहे हैं, फिर पॉइंट घटा दीजिए, इसे आप मार रहे होंगे दसवां, ठीक है, हो गया दसवां स्थान मार रहे होंगे, जो भी आपका आएगा, जैसे 11.5 आ गया, 11 पॉइंट हमारे 12 पॉइंट आ गया, तो आपको 12 ही मानना है, ठीक। ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कर रहे होंगे। अगर ऐसे आपको ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक्स भी है, यही शॉर्ट ट्रिक है भाई, उसे हमने एक भाषा के रूप में देखो तब्दील कर दिया है, कुछ नहीं है उसमें, ऐसे ही है, कॉन्सेप्ट समझ आता है तो आप कैसे कर सकते, ठीक है। क्या है वो, आपको करना क्या होगा, आपको जो स्थितियां दी हुई हैं उन्हें जोड़ लो, स्थितियों को जोड़ लो, जोड़ करना होगा उनका स्थितियों का। फिर आपको क्या करना होगा, जोड़ के बाद आपको टोटल में से घटा देना, टोटल से घटा लो, टोटल से माइनस जो भी आएगा जोड़, तो टोटल से माइनस होगा जोड़। अब जैसे ही माइनस जोड़ होगा उसी प्रकार तुम्हें दो का सुराग दे देना, बट्टे में तुम उसमें दो का भाग दे देना, टोटल कितना था 40, देख ले रहे हैं एक बार कितना था 49, और इन दोनों का जोड़ कितना हो रहा है 17, और दिया था आपको 11/2, तो 49 - 28 बटे 2 तो 21/2 10.5, तो इसका मानेंगे आप 10, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हो रहे होंगे, 10 व्यक्ति हो रहे होंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि इसके हमने सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया है, इसके सभी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिए हैं, और भाइयों आपसे गुजारिश है कि आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं, इसके बाद आप देखने के बाद इस वीडियो को आप क्वेश्चन तुरंत लगाना, क्योंकि तुरंत लगाने से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस मोस्टली प्रॉब्ली आप सब कर लेंगे, उसे किसी में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा ऐसा भी होता है, माइंड से काम करोगे तो वो चीज़ अच्छी समझ में आती है। ऐसे आप दो एक बार कीजिए, कॉपी पे लिखिए, उसके बाद आप ऑरली कर रहे होंगे, हमें पूरा विश्वास है। तो आप हमें इसका फीडबैक जरूर दें भाई, आपको अगर अच्छा लगता है, अच्छी लगी है वीडियो तो कमेंट्स भी करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों को भेजें, ठीक है। आई ओनली वॉन्ट दैट इफ यू विल सब्सक्राइब दिस वीडियो, ओके, देन मोस्टली स्टूडेंट विल कनेक्ट विद मी, ओके, आफ्टर कनेक्टिंग देन आई विल बी एक्साइटेड टू मेक अ न्यू वीडियो ऑन अ नेक्स्ट चैप्टर, एज लाइक इन द मैथ एंड ऑल्सो इन रीजनिंग एंड जी एस, वॉट एवर आई वॉन्ट एंड वॉट एवर यू नीड, एंड आई विल मेक वीडियो, ओके, एंड मोस्टली इन दैट वीडियोज आई विल डिस्कस ओनली अ कॉन्सेप्ट, नॉट अ मोर एंड मोर क्वेश्चन, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चन, देन स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दैट के वॉट इज द यूज, वंस कॉन्सेप्ट इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, दिस इज नॉट यूजफुल फॉर अस। सो आई थिंक दैट इफ यू विल वॉन्ट टू सी माई वीडियोज, देन दैट वीडियोज शुड बी कंटेंट दैट के दैट सम कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियो, नॉट अ मोर क्वेश्चन डिस्कशन, इट्स अ बोरिंग, इट विल बी अ बोरिंग आई थिंक। सो इन दिस वीडियो आई ट्राई टू माई सेल्फ टू प्रूव दैट के दिस इन दिस वीडियो यू कैन वॉच आउट मैनी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑल्सो ऑल द चैप्टर विल बी फिनिश्ड बाई दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, नथिंग विल बी लेफ्ट। I think if you will do a hard work in this chapter and also you will solve any questions in a few seconds and orally, not a written handwriting written, and it will be beneficial for you. So I think you should be subscribe my channel and also like and comments and also share friends, and if your friends will be connected then I will be try my best. Thank you for watching my video. If you like it, really like it.